विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे सोनभद्र की पहाड़ियों में विश्व के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों में से तीन प्रजाति रसेल वाइपर, कोबरा और करेत का डेरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोनभद्र के सोन पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली सांप की तीन प्रजातियां इतनी जहरीली है कि किसी को काट ले तो उसे बचाना संभव नहीं है। सोनभद्र जिले के जुगल थाना क्षेत्र के सोन पहाड़ी के साथ ही दक्षिणांचल के दुधी तहसील के मोहली बिडमगंज चोपन ब्लॉक के कोन क्षेत्र में काफी संख्या में सांप मौजूद है। विश्व के सबसे जहरीले सांपों में जाने जाने वाले रसेल वाइपर की प्रजाति उत्तर प्रदेश के एकमात्र सोनभद्र जिले में ही पाई जाती है। पिछले दिनों सोनभद्र के पकरी गांव में हवाई पट्टी पर रसेल वाइपर को देखा गया था। रसेल वाइपर जिले के बभनी म्योरपुर और रॉबर्ट्सगंज में देखा गया है। इसके अलावा दक्षिणांचल में भी ये नजर आया था। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक के सोन पहाड़ी में सोने के भंडार मिलने के बाद इसकी जियो टैगिंग कराकर ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की तैयारी है। ऐसे में विश्व के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों के बसेरे पर संकट मंडराना तय है। सांपों पर अध्ययन कर चुके विज्ञान डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने बताया कि रसेल वाइपर विश्व के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका जहर हीमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि ये अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम में मौत हो सकती है। यही नहीं, यदि जहर कम हो जाता है तो काटे स्थान पर घाव हो जाता है जो खतरनाक साबित होता है। स्नायु तंत्र प्रभावित करता है कोबरा। कोबरा और करेत के जहर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, स्नायु तंत्र को शून्य कर देते हैं और मनुष्य की मौत हो जाती है। कोबरा के काटे स्थान पर सूजन हो जाती है और करेत का दंश देखने से पता नहीं चलता। विश्व के सबसे जहरीले सांपों की कई प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी पाई जाती है। वन्य जीव प्रतिपालक संजीव कुमार के मुताबिक दुर्लभ प्रजाति के सांपों के अस्तित्व को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले की खदान खनन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। माना गया कि यदि खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो यहां मौजूद दुर्लभ प्रजाति के सांपों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वन्य जीव विहार क्षेत्र में खनन की अनुमति देने का निर्णय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक के सोन पहाड़ी और हरदी में सोने की भंडार की ई टेंडरिंग को लेकर रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की इस पर निर्णय लेना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।